उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। हो उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है, अपनों के नाम कर जाती है। हो हो अपनों के नाम कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियाँ। तुम लोगों ने विराज को शादी में भेज दिया। अब छोटकी दुल्हन की हालत ऐसी ना रहे कि वो शादी में जा सके, और विशाल का यहाँ रहा जरूरी रहा, कहे कि डॉक्टर से दवाई अवाई लायक पड़े, यही खातिर विराज का भेज दिए हैं। अपूर्वा ने इस पर इतनी जिद की, उसने किसी की सुनी नहीं। मुझे लग रहा है कि अपूर्वा बहुत बदल रहा है। मैं जानता हूँ कि शादी आपकी नजर में गलत है, लेकिन सब कुछ जल्दबाजी में हो गया। हमें माफ कर दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। ये हमारे दुश्मन है और दुश्मन ही रहेगी। बाबू जी, आपके और आकांक्षा के बीच विचारों का मतभेद है। हाँ, मैं मानता हूं कि आपके और आकांक्षा के बीच जो कुछ भी हुआ, उसके बाद आपको आकांक्षा को अपने घर की बहू मानने में थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन बाबू जी, मैं चाहता हूं कि आप पुरानी सारी बातें भुलाकर हम दोनों को माफ कर दें और हम दोनों को आशीर्वाद दें, ताकि हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। अपमान करने वाले तो बड़ी आसानी से भूल जाते हैं, लेकिन हम कैसे भूल जाएं कि इस लड़की ने बस्ती वालों के सामने हमारी बेइज्जती की है। और उस अपूर्वा ने इसी लड़की का झूठा किडनैपिंग का हम पर आरोप लगाया था। नहीं विराज, हम अपना अपमान कभी नहीं भूल सकते। बाबू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी और आकांक्षा की शादी का कारण किडनैपिंग में ही छुपा है। लाखन, आप एक आदमी है लाखन, उसने आकांक्षा को किडनैप किया था क्योंकि वो आपका नाम बदनाम करना चाहता था। आपको पार्टी का टिकट ना मिले और उसे मिले, इसीलिए उसने आकांक्षा को किडनैप किया। लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने आकांक्षा को किडनैप किया है, तो बाबू जी, आपको बेगुनाह साबित करने के लिए मैंने आकांक्षा को ढूंढा, और इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए लाखन आकांक्षा की शादी में आ पहुंचा। उसने वहां पे आकर आकांक्षा की बेइज्जती करना शुरू कर दी। अनिल की फैमिली वालों को जब ये पता चला, तो उन लोगों ने शादी तोड़ दी। तो बाबू जी, इस शादी के टूटने में कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं। विराज, हमें एक बात बताओ, हम तो जमीन के कारोबार में है ना। आए दिन हम बड़ी बड़ी जमीनें खरीदते हैं, बेचते हैं, और इसी सिलसिले में हमारा बॉसों से झगड़ा भी होता है। मान लो कल को ऐसे ही किसी झगड़े में कोई लड़की बीच में आ जाए और ऐसे ही कोई और लखन उसका किडनैप कर ले, और फिर आज जैसे इस लड़की की शादी टूटी है, अगर उस लड़की की शादी भी टूट जाए तो क्या तुम वहां भी पहुंच जाओगे और उससे शादी कर लोगे? बोलो, ऐसे तो
हमारे हजारों झगड़े होंगे तो क्या तुम उन सारी लड़कियों से शादी कर लोगे? हजारों लड़कियों से? बोलो विराज, जवाब दो। नहीं ना, सच तो यह है विराज कि हमने तुम्हें इस लड़की से मिलने से मना किया था। तुम बस उसी बात का बदला हमसे लेना चाहते हो और तुमने इस लड़की से शादी करके वही बदला लिया। बाबू जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है विराज, यकीन नहीं होता हमारा बेटा विराज, इसने हमारी हर बात सर झुकाकर सुनी, लेकिन आज वही विराज पलट कर हमसे सवाल जवाब कर रहा है। नहीं विराज, जिस लड़की ने इस घर में कदम रखने से पहले ही हम बाप बेटों के बीच में दरार पैदा कर दी है, उस लड़की को हम अपनी बहू कैसे बना लें? उसके साथ एक छत के नीचे इस घर में कैसे रह सकते हैं? विराज, हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते कि इस लड़की के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। बस ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। इसलिए हमारा तुम्हें आदेश है, इसी वक्त जाओ और इसे इसके घर छोड़ाओ। नहीं बाबूजी, मैंने और आकांक्षा ने शादी की है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अब ये वहीं रहेगी जहां मैं रहूंगा। ठीक है विराज, लेकिन ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। बाकी तुम खुद समझदार हो, तुम्हें क्या करना है इसका फैसला तुम खुद ही करो। और हाँ, जब हम वापस इस कमरे में लौटे तो हमें ये लड़की यहां दिखाई नहीं देनी चाहिए। जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता और ना ही बाबूजी के आदेश को टाल सकता। मां, मैं आकांक्षा को लेकर यहां से बहुत दूर जा रहा हूं। आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए। अम्मा जी, आप
जो हो गया सो हो गया। एक आप ही हैं जो विराज के बाबूजी को समझा सकती है, मना सकती है। अब आकांक्षा इस घर की बहू है। विराज ने पूरे समाज के सामने आकांक्षा से शादी की है। सब लोगों को पता है कि आकांक्षा विराज की पत्नी है। अब ये लोग इस घर से चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? तीनों को लोगन की परवाह नहीं है और उसे जो सही लगी उहे करे। इके लिए हम उसे कुछ हो कह भी नहीं सकते। कहे कि जहां तीनों है हुए हम तीनों का अपमान करे वाले का अपना अपमान करे वाले का भी सह नहीं सकते। अम्मा जी आप तो ऐसा मत कहिए। आप ऐसे कहेंगी तो कैसे चलेगा? हम मानते हैं कि विराज से गलती हुई है, लेकिन ये गलती पुजार विशाल ने भी तो की थी। हमने उन्हें स्वीकार कर लिया, हमें इन दोनों को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। अम्मा जी एक आप ही हैं अम्मा जी जो विराज के बाबूजी को समझा सकती है, मना सकती है। वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे अम्मा जी, कभी नहीं। अम्मा जी अगर इस घर में आज तक हमने आपके दिल से सेवा की तो हमारे विराज को रोक लीजिए, उसे मत जाने दीजिए। अम्मा जी आकांक्षा को भी मत जाने दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ अम्मा जी, मेरा विराज मुझे दे दीजिए। अम्मा जी मेरा विराज मुझे दे दीजिए। माँ आप रोइए मत, मैं बाबूजी की स्थिति समझ सकता हूँ, लेकिन शायद वो मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। माँ फिक्र मत कीजिए, मैं आकांक्षा को यहाँ से बहुत दूर ले जा रहा हूँ। चलता हूँ दादी, चलो आकांक्षा। विराज अम्मा जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, रोक लीजिए मेरे विराज को अम्मा जी। ये क्या हो गया? ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा हुआ कि बाबूजी ने विराज भैया और आकांक्षा को घर से निकाल दिया, वरना मैं कुछ भी नहीं कर पाती। आपके पैर पड़ते हैं अम्मा जी, मेरे विराज को रोक लीजिए अम्मा जी। मैं विराज के बगैर नहीं रह सकती, जैसे आप विराज के बाबूजी के बगैर नहीं जी सकती, मैं अपने विराज के बगैर नहीं जी सकती। अम्मा जी मेरे विराज को रोक लीजिए। अम्मा जी रोक लीजिए। रुको विराज, तुम लोग यही रुको। बहुरिया तुमने कहे से
हम दीनू से बात तो कर लेते, लेकिन ये बात का कोनो भरोसा नहीं है कि वो माने कि ना माने। सुकन्या हमारी तीनू, क्या बात है बबुआ? विराज के फैसले से नाराज है का? नाराज न हो तो क्या उस लड़की की आरती उतारे, उसे मान सम्मान के साथ इस घर की बहू बना ले? नहीं अम्मा, जिस लड़की ने बाप का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसे बेटा मान सम्मान के साथ इस घर की बहू बना लाया, जिसने बाप के दिल को जख्मों से भर दिया, बेटे ने उसे उसी लड़की को अपने दिल की रानी बना लिया। बेटा ये कैसे भूल गया कि इसी लड़की के घर वालों ने किडनैपिंग का घिनौना इल्जाम हम पर लगाया था, हमें सरेआम बदनाम किया था? नहीं अम्मा, अगर उस वक्त विराज उस लड़की को छुड़ा कर नहीं लाता तो हम आज भी अपने माथे पर उस बदनामी के कलंक को लेकर जी रहे होते, जबकि उस लड़की ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें नीचा दिखाने की। हम वो सारी बातें भूल जाएं? नहीं अम्मा, पुराने जख्मों के निशान मिटाए तो जा सकते हैं, लेकिन उन जख्मों को देने वाले की याद नहीं मिटाई जा सकती। नहीं अम्मा, हम इस लड़की को इस घर में कभी रहने नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो यहां रहेगी तो हमेशा हमें इस बात का एहसास होगा कि ये हमारी हार के जख्मों को अपनी जीत के नाखूनों से कुरेद रही है। तो हर दर्द हम जानत है दीनू, पर तू न समझ पा रहा है जौन हम समझ रहे हैं। अम्मा तुम कहना क्या चाहती हो? दीनू, हमरे विराजमा और तुम्मा कोनो फर्क नाही, वो तुम्हारी तरह जिद्दी है, अपनी आंखन के सामने कुछ गलत हो देखा थे ना, तो बस झटपट फैसला ले लेते, और यह खातिर वो लड़की से ब्याह कर ले। लेकिन उसे इतना तो याद था कि जिस लड़की से वो रिश्ता जोड़ रहा है वो इस घर की दुश्मन है, हमारी दुश्मन। नहीं अम्मा, अगर इस लड़की के अलावा विराज किसी और से रिश्ता जोड़ता तो हम खुशी खुशी उसे अपने गले लगा लेते, लेकिन ये लड़की, जमीन आसमान एक हो जाए अम्मा, वो लड़की इस घर में नहीं रह सकती। देखती ना, गुलाब के फूल मां खुशबू होते हैं और कांटे भी, जी की सोच गलत होए तो का फूल मां सिर्फ कांटे ही दिखाई देती है। सुकन्या हमारी बेटियां।
सुकन्या हमारी बेटियां। देखती नू गुलाब के फूल मा खुशबू होत है और काटे भी, फिर जी की सोच गलत होए तो का फूल मा सिर्फ काटे ही दिखाई देती हैं। नहीं समझे ना, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे आदमी की सोच होता है ना, उसका नजरिया भी वैसा ही होता है। तू वो लड़की का ये घर में अपनी हार के रूप में देखा था और हमका वो माँ तोहार जीत नजर आवा थे। अम्मा देखो, इस समय हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। जो कुछ कहना है साफ साफ कहा। तू यहाँ बैठ, हमें संगे बैठिया, हम तुझे समझावते हैं सब बात। देखा तीनू विराज बचपन से तुहार कारोबार संभाल ले और वो तोरे बिजनेस की हर गुत्थी का सुलझाना जानत है, और जबकि विशाल में भी बचपना है और विराज में तोहरे बराबर की सूझबूझ है। देखा दिनू विराज का घर से निकाल देसे ना, वो लड़की हार के भी जीत जाए और तू जीत के भी हार जाए। काहे कि तोहार जिद के पत्थर से तोहार कारोबार का शीशा टूट जाए। दिनू भगवान जो भी करत है ना वो अच्छे के लिए करत है। वो लड़की ने एक बार तोहारा पान किया है और आज वो लड़की को भगवान ने तोहरे घर बहू बना के भेजा है। इका मतलब समझा था तू? इका मतलब है कि भगवान ने तोहे एक सुनहरा मौका दिया है कि तू का बार बार अपमान कर सके, उनका ये एहसास दिला सके कि उनकी असली औकात का है। बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या सुकन्या।